नमस्कार, मैं हूं महक शर्मा और इस वक्त आप ये लाइव तस्वीरें देख रहे हैं हरियाणा के करनाल से, जहां पर इस वक्त हम मौजूद हैं करनाल के एसपी ऑफिस के बाहर, जहां पर आप देख सकते हैं करनाल के सेक्टर 33 जेडी ग्रीन से तमाम ये लोग यहां पर मौजूद हैं। हमने आपको दिखाया था कि किस तरीके से लगभग दो दिन पहले जेडी ग्रीन यानी कि सेक्टर 33 में किस तरीके से डीटीपी विक्रम सिंह जाते हैं दो दो जेसीबी के साथ, और वहां पर जो खड़ी दीवारें थी वहां पर पीला पंजा चलवा दिया जाता है। हालांकि डीटीपी विक्रम द्वारा यही कहा गया था कि लोगों को नोटिस हालांकि चस्पा दिया गया था, लेकिन उसके बाद वो वहां पर खुद जाते हैं, कार्रवाई जो है नगर निगम के द्वारा वहां पर की जाती है, डीटीपी विक्रम के द्वारा की जाती है, लेकिन लोगों में हमेशा नाराजगी देखने को मिलती है और उसी नाराजगी के साथ आज ये तमाम लोग यहाँ पर करनाल के एसपी ऑफिस पहुंचे हैं। एक बार इन सभी लोगों से बातचीत लेते हैं कि क्या कुछ ये मांगे लेकर यहाँ पर पहुंचे हैं, क्या कुछ जो है इनकी दिक्कतें हैं, इनकी परेशानी है। जी सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम राजेश कल्याण है, मैं जेडी ग्रीन सिटी में मेरे प्लॉट हैं और मैं करनाल अशोका नर्सरी का निवासी हूँ। मैं एक सामाजिक कार्यकर्ता हूँ। पिछले 22/3/2021 को सेक्टर 33 पार्ट जेडी ग्रीन सिटी के अंदर जो करनाल के डीडीपी विक्रम कुमार ने जो कार्रवाई करी, जो वहां तोड़फोड़ करी, बहुत ये निंदा का कार्य है और हम सभी वहां के निवासी दुखी और परेशान हैं, क्योंकि वो एक अप्रूव्ड एरिया है। वहां पर हमने अपने प्लाटों की रजिस्ट्री करवाई हुई है, हरियाणा सरकार का लाइसेंस था, जब हमारी रजिस्ट्री हुई उस टाइम लाइसेंस कोई कैंसिल नहीं था, और जैसे डीटीसी होता है भाई कैंसिल हो गया। हमने तो 2012 में प्लाट लिए, 2016-17 में हमने रजिस्ट्री करवा ली, उस टाइम तो कंपनी सरकार के साथ स्टैंड कर रही थी। अगर कंपनी का लाइसेंस 2019 में कैंसिल हो जाए, हमारे पास क्या अथॉरिटी है, हमारे क्यों को परेशान किया जाए, हमारा क्यों नुकसान किया जाए, इसके बारे में डीटीपी साहब बताए। और दूसरी बात, अगर कोई कार्रवाई करनी थी डीटीपी साहब ने, तो उनके पास सभी प्लाट होल्डरों के फ़ोन नंबर हैं, एड्रेस हैं, हमारे को नोटिस देते। डीटीपी साहब कह रहे नोटिस दिया, मैं कहता हूँ जी कहीं भी डीटीपी साहब आए मेरे को नोटिस दिखा, मैं कहाँ दिया, वो बिल्कुल झूठ बोल रहे। और उन्होंने जो तोड़फोड़ की, उनके द्वारा यही बात की गई थी कि हमने नोटिस जो है भिजवाए थे पहले। वो झूठ बोल रहे हैं ना जी, हम भी तो जिंदे हैं ना जी, प्लाट होल्डर सभी जिंदे हैं, सब इस दुनिया के अंदर है। वो डीटीपी साहब जो भी कुछ कहे सच्चा नहीं, आमने सामने बैठ के सच्चा हम कहते हैं डीटी साहब को ले आओ, हम उसके सामने सवाल जवाब करने के लिए। डीटी साहब ने ये भी कहा है कि करोड़ों की पेंडेंसी है, नक्शा पास नहीं करवाया गया, इसीलिए हमने नोटिस तो भेजा था और जब लोगों ने बात नहीं मानी, यहाँ पर काम करवाना शुरू कर दिया, तो उसके बाद हमने बड़ी कार्रवाई यहाँ पर की है। मैं IBN7 न्यूज चैनल के माध्यम से दोबारा फिर बताना चाहता हूँ, जितने भी लोग खड़े हैं, सरकार ने उनको लाइसेंस दे रखा बिल्डर को, इन्होंने उसके मापदंड के अनुसार उसको पैसे दिए, EDC IDC दी, रजिस्ट्री करवा ली, तो महाराज सरकार से क्या रिलेशन रह गया? हमने तो अप्रूव्ड लाइसेंस देख के वहाँ पर प्लॉट लिए, हमने अवैध में थोड़े लिए। अब बिल्डर जो सरकार का पैसा उन्हें देना है नहीं दे रहा, उसमें हम कहाँ दोषी है? अगर जो कोई कार्रवाई है तो बिल्डर पे हो, बिल्डर को जेल में घेरे ना है। अब बिल्डर की बिल्डिंग थी, डीटीपी साहब ने उसकी तो एक ईंट भी नहीं उखाड़ी, अगर डीटीपी साहब में दम था तो उसकी भी एक ईंट उखाड़ देना। क्या लगता है क्या कारण? हमारे प्लाटों की तो नीम घेर दी, और वो इतनी ऊंची बिल्डिंग, उसका एक कोने पर भी जेसीबी का गेर लग दे ना, कि जेसीबी वालों ने गेर लगाने में भी दम नहीं दिखा, और हमारे गरीब आदमियों की हमारी नीम में तोड़ दी, हमारे मकान तोड़ दिए, हम दुखी हैं, परेशान हैं, और इस विषय को लेकर हम अपना रोष जिताने के लिए डीसी साहब से मिलने के लिए आए हैं, और डीसी साहब से अभी मिलेंगे, और डीसी साहब से हम मांग करेंगे जो ये घिनौनी हरकत डीटीपी द्वारा की गई है, इसकी जांच हो, और इसमें दोषी पाए जाने पर इसको सस्पेंड किया जाए, और वहां सेक्टर 33 पार्ट के सभी निवासियों को मूलभूत सुविधाएं मिले, जिसकी रजिस्ट्री रुक रही है उसकी रजिस्ट्री हो, और जो आगे बेचना चाहता है उसकी रजिस्ट्री हो, और जिसके पास रजिस्ट्री है और सारे डॉक्यूमेंट्स है उसका नक्शा पास हो। ये हमारे अधिकार क्षेत्र की बात है, क्योंकि हरियाणा सरकार ने लाइसेंस कंपनी को दिया हुआ था, हमने लाइसेंस देख के सरकार की अप्रूवल देख के वहाँ पर प्लाट ली थी। हमारे साथ ऐसा अन्याय नहीं होना चाहिए, और हमें आशा भी है डीसी साहब हमारी बात सुनकर इस पर उचित कार्रवाई करेंगे, क्योंकि एक बहुत अच्छे डीसी हमारे करनाल के, और इस पर कार्रवाई करेंगे, हमें पूरी आशा है, और हम उनसे अपने वहाँ अपने जेडी सेक्टर 33 में आनंद महा जीवन व्यतीत करेंगे।
तो अब आप देख सकते हैं जिन सपनों के साथ इन्होंने वहां पर प्लाट लिए थे, रजिस्ट्रियां करवाई थी, अब वो सपने कहीं ना कहीं इनके टूटते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि जिस टाइम इन्होंने रजिस्ट्रियां करवाई थी वो लाइसेंस शुदा कॉलोनी थी, लेकिन अब जो है बताया जा रहा है कि करोड़ों की पेंडेंसी है और इनका कहीं ना कहीं जो मांगे हैं वो यही, और डीसी साहब से भी आज ये मिलने आए, करनाल के जो डीसी हैं निशांत कुमार यादव, उनसे ये मिलने आए हैं, अपनी मांगों को लेकर बातचीत करने आए हैं कि अगर कार्रवाई करनी है तो बिल्डर्स पर की जाए, आम लोगों को परेशान ना किया जाए। सर क्या कहना चाहेंगे, जब भी पीला पंजा चलता है तो लोगों में नाराजगी देखने को मिलती है। देखो नाराजगी तो लोगों में होगी जिन्होंने रजिस्ट्री कराई हुई है, जिनके पास डॉक्यूमेंट पूरे हैं, उनके ऊपर भी पीला पंजा चलाया जा रहा है। किस लिए? पब्लिक को हरास करने के लिए। हमें तो यही लग रहा है कि गवर्नमेंट को कोई बदनाम किया जा रहा है, कोई ना कोई साजिश जरूर चल रही है, कोई जो अफसर हैं इसके अंदर गवर्नमेंट के अंदर ऐसे हैं जो साजिश की बू आ रही है। जब हमारे जेडी ग्रीन के अंदर हमारे पास डॉक्यूमेंटेशन पूरी है, गवर्नमेंट ने खुद लाइसेंस दिया हुआ है इसको, और पब्लिक कहाँ जाए? प्राइवेट में तो चलो ठीक है, ये पीला पंजा चलाते हैं, अभी अनऑथराइज कॉलोनी है, कोई बात नहीं, चलो वो भी सहन हो जाता है, भाई यहाँ गवर्नमेंट ने ठीक कर रहा है, कहीं जगह गलत कर रहा है। लेकिन जब अप्रूव्ड कॉलोनी के अंदर ये काम होने लग जाए तो एक एक मिडल मैन बंदा कहाँ जाएगा, कहाँ भागेगा, प्लाट कहाँ लेगा? हुडा के अंदर प्लाट लेते हैं, वो भी ठीक है, वो भी सेक्टर ही है किस्म का, 33 सेक्टर, खुद गवर्नमेंट ने सेक्टर 33 का नाम दिया हुआ उसको, तो हमने तो सेक्टरों में प्लाट लिए हैं ना हमने, तो उसके बावजूद भी तोड़फोड़ कर रहे हैं, तो बड़ी गलत बात हो रही है ये, तो फिर पब्लिक कहाँ जाए, किसके पास सुनाई करें? तो इसका मतलब हम तो इसलिए डीसी साहब से मिलने आए हैं, भाई अगर कोई आपकी पेडेंसी है तो बिल्डर से ली जाए। अगर जो उन्होंने डीटीपी ने बोला है कि 40 करोड़ रुपया लेना है हमने, तो 40 करोड़ रुपये हमने तो पे कर दिया हुआ है, पब्लिक ने तो इसलिए प्लाट लेके सब कुछ ईडीसी जब सारा कुछ हमने बिल्डर को दे दिया हमने, तो लेकिन अब दोबारा हमारा इसमें क्या क्या दोष है? वो बिल्डर को पकड़े ना, बिल्डर को जिस दिन पकड़ेगी अपने आप सारा कुछ, गवर्नमेंट के बड़े हाथ लंबे होते हैं, अपने आप सारा निकलवाएंगे उनसे, बिल्डर से, पब्लिक को क्यों हरास कर रहे हैं? तो आप देख सकते हैं कि आम लोगों ने तो सारा भुगतान कर दिया है, तो ये क्यों हरास हो, ये क्यों सफर करें इन सारे के सारे मामले पर? सर क्या लगता है, कहा जाता है कि कच्ची कॉलोनियों में मकान न बनाए नहीं तो तोड़ दिए जाएंगे, पक्की कॉलोनियों में भी ये हाल है? नहीं, सरकार की कोई ऐसी मंशा नहीं है, ये तो कुछ चंद लोगों के कारण सरकार पे इल्जाम लगाया जा रहा है। सरकार ये नहीं चाहती, ये अब किस तरह हो रहा है, ये अंदर की मिली भक्त है या सारे ऑफिसर सरकार को डाउन करना चाहते हैं? अदरवाइज सरकार को ऐसी मंशा नहीं करना चाहते, सरकार द्वारा विकास पूरा हो रहा है, पर वो विकास के ऊपर कुछ का काला धब्बा लगाने के लिए कार्य हो रहा है। अंदर ही अंदर मिली भगत क्या है वो तो कोई भी नहीं जानता, लेकिन यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हर बार आम जनता को ही तकलीफ होती है, आम जनता को ही परेशानी का सामना करना पड़ता है। और हमने जिस तरीके से आपको दिखाया था कि पिछले दो दिन पहले जिस तरीके से सेक्टर 33 में जेडी ग्रीन में पीला पंजा चलता है, लोग वहां पर काफी झड़प भी होती है आपस में डीटीपी विक्रम से भी, और उसके बाद लोगों में नाराजगी देखने को मिलती है। और आज आप देख सकते हैं ये तमाम लोग सेक्टर 33 जेडी ग्रीन से यहां पर करनाल के डीसी निशांत कुमार यादव से मिलने के लिए पहुंचे, अपनी मांगों को लेकर पहुंचे। आप सभी लोगों से मेरी यही अपील रहेगी कि जो भी लोग इस खबर को, इस वीडियो को देख रहे हैं, इसे साथ के साथ शेयर जरूर करें। आप देख रहे हैं इवेंट 24, मैं हूं आप सभी के साथ महक शर्मा, अपने सहयोगी रिंकू कौशिक के साथ करनाल के जिला सचिवालय डीसी ऑफिस के बाहर से आप लाइव तस्वीरें देख रहे हैं, और इन तस्वीरों को जितना ज्यादा हो सके शेयर जरूर करें। धन्यवाद।